पन्ना दे विच छापेमारी तो बाद जिहड़ी है गिरफ्तार की गई है। ਤਾਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। मामले के लिए ईडी का वड्डा एक्शन आया है, टेंडर घोटाला होया सी जिस तों बाद ईडी दे मामले दे विच वड्डा एक्शन लिया है ते नाल ही कांग्रेसी आगू राजदीप सिंह नागरा गिरफ्तार किए गए ने। खन्ना दे विच छापेमारी हुई है, भारत भूषण दा करीबी दस्या जा रहा है ते जिस तों बाद छापेमारी तों बाद जिहड़ी है गिरफ्तारी की गई है। फोन लाइन ते मेरे सहयोगी शंकर आनंद जिहड़े ने मौजूद ने। शंकर, क्या कुछ अपडेट है, किसके चलते इनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, पंजाब में एक टेंडर घोटाला मामले के तफ्तीश जो है वो इस केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा किया जा रहा था। टेंडर घोटाला मामले की अगर बात करें तो इस मामले में पूर्व मंत्री रहे हैं भारत भूषण आसू, उनका नाम भी सामने आया था और जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आई और इसी मामले में कल 4 सितंबर को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 4 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था जिसमें कि खन्ना जो इलाका है खन्ना इलाके में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और इसी मामले में तफ्तीश के दौरान में राजदीप सिंह नागर नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया था और उनसे विस्तार से पूछताछ भी की गई थी। तो इस मामले में जब विस्तार से पूछताछ की गई और उसके बाद वो पाया गया कि वो जांच एजेंसी को तफ्तीश के दौरान में कॉपरेट नहीं कर रहा है, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए तमाम सबूतों और दर्ज बयान के आधार पर उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और राजदीप सिंह नागरा की अगर बात करें तो ये पूर्व मंत्री रहे भारत भूषण आसू और इसके साथ साथ एक और पूर्व मंत्री है उनके बेहद करीबी माने जाते हैं और जिस तरह से इनकी जो गिरफ्तारी हुई है ये देर रात में गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेने के बाद इस मामले पे विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। ईडी की अगर बात करें तो ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि ईडी के जो जलंधर यूनिट है उसके द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी और उसके बाद इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उनके परिजनों को रात में ही सूचित किया गया, इसके बाद ही आज जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कोर्ट के सामने जांच एजेंसी के द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह से उनके खिलाफ आरोप है, किस तरह से इनके खिलाफ तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है और आगे कितने दिनों की रिमांड लेनी है और रिमांड लेने की जो वजह है वो भी बताई जाएगी। और जिस तरह से टेंडर घोटाला मामले की बात करें तो टेंडर घोटाला मामले में जांच एजेंसी के द्वारा पहले भी कई खुलासे किए गए हैं लेकिन आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे जांच एजेंसी के द्वारा किया जा सकता है। शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। टेंडर घोटाले के मामले के लिए ईडी का वड्डा एक्शन होया है जिस दे विच कांग्रेसी आगू राजदीप सिंह नागरा गिरफ्तार होया। दस दे कि भारत भूषण आसू के करीबी दसे जाते हैं ते हुण खन्ना के छापेमारी तो बाद इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है।